पे हम सब एकत्रित हुए हैं इसलिए कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो मतलब कि हमारे देशवासियों को कि अपना जो सिटी है अब हमारी यह जम्मू आने वाले समय की स्मार्ट सिटी बनने वाली है, तो इसको हम साफ रखें, क्लीन रखें, इसलिए से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त आने वाली है, उसके लिए मतलब कि यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक आज़ादी का महाउत्सव है। तो हम इस सबसे ये कहेंगे कि अपने जम्मू को हम साफ रखें, अच्छा रखें, ताकि वहाँ जो टूरिस्ट आए उनको भी देख के आकर्षित हों और वो भी बताएं कि वाकई ये जम्मू बहुत अच्छा है। तो हम उनको एक ही बात बोलेंगे कि सर से नो टू प्लास्टिक बैग, कि एक तो हम प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करें, अपना ही जो है सामान वही से यूज़ करें। दो मकसद हैं वैसे तो, आज़ादी का जो हम अमृत महोत्सव कर रहे हैं उसके साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए साथ में आज की जो हमारी थीम है वो से नो टू पॉलीथीन बैग्स है। तो ये हम सबसे एक सबको एक मैसेज देना चाहते हैं दैट हम जब आज़ादी सेलिब्रेट तो ज़रूर करते हैं बट साथ साथ जिम्मेदारी से अपना गार्बेज डिस्पोज ऑफ करना, प्लास्टिक को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर मेरे साथ हमारे तीनों चेयरमैन्स अपने यहाँ पे नरेंद्र जी, जशपाल जी और कुलदीप जी, हमारी कमिश्नर, हमारा सारा स्टाफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो दिन रात सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक हम 75 के 75 कॉरपोरेटर स्वच्छता के लिए, सैनिटेशन के लिए लगे रहते हैं। तो आज अपने साथ अपने समाज को और खासकर नौजवान पीढ़ी को जोड़कर ये उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसको यहाँ जम्मू शहर से कैसे भगाना है, उसके पीछे ये अवेयरनेस भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान है उसमें भी हमारी शमूलियत है।